घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। 12 मार्च 1993 का दिन, मुंबई शहर दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3:40 बजे के बीच, यानी इन 2 घंटे 10 मिनट में मुंबई ने अपने सबसे खौफनाक दिनों में से एक का सामना कर लिया था। शहर में 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। 13 मार्च की सुबह चढ़ी, तड़के 6 बजे मुंबई के किंग ने एक फोन घुमाया। किंग यानी पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा, वायरलेस कॉल्स और कोड लैंग्वेज में उन्हें किंग कहकर ही पुकारा जाता है। सामरा ने फोन किया मुंबई के उस वक्त के DCP ट्रैफिक को, नाम राकेश मारिया। यही नाम हमारी आपकी आज की बातों का मुख्य पात्र है। 13 मार्च 1993 की सुबह मारिया के पास किंग का फोन क्यों आया था, राकेश मारिया ने उसके बाद ऐसा क्या किया, क्यों हम राकेश मारिया की बातें आज करीब 28 साल बाद भी याद कर रहे हैं, ये चंद सवाल हैं और है राकेश मारिया के चंद किस्से। तो शुरू करते हैं। अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में राकेश मारिया लिखते हैं कि जब वे सामरा के घर पहुंचे तो वहां महेश नारायण सिंह भी थे, जॉइंट CP क्राइम महेश नारायण। जब से मारिया की मुंबई में पोस्टिंग हुई थी तब से ये पहला मौका था जब वो एक साथ CP और जॉइंट CP के सामने थे। सामरा ने कहा, राकेश तुम जानते ही हो कि ब्लास्ट कितने सीरियस हैं, इससे भी बड़ी दिक्कत ये कि हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि ये किसने किया, क्यों किया। राकेश, मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर है, हमने फैसला किया है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन तुम करोगे। राकेश मारिया, जिनको मुंबई जैसे शहर में काम संभाले अभी 22 महीने ही हुए थे, 12 महीने DCP जोन 4 के तौर पर और पिछले 10 महीने DCP ट्रैफिक के तौर पर, अब वे मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। 13 मार्च की रात ही राकेश मारिया को एक खबर मिलती है। पता चला कि वर्ली में हथियारों से भरी एक मारुति वैन कार मिली है। वैन में थी 7 AK-56 असॉल्ट राइफलें, 14 मैगजीन और पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड। पता चला कि वैन रूबीना सुलेमान मेमन के नाम पर है। पता, माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग। मारिया ने अपने एक इन्फॉर्मर से पूछा, ये अल हुसैनी बिल्डिंग के मेमन कौन है। जवाब था, टाइगर मेमन, उनका फ्लैट है इधर। मारिया ने कहा, टाइगर मेमन, पहली बार नाम सुन रहा हूँ, कौन है। जवाब आया, स्मगलर है सर, अंडरवर्ल्ड। ये पहला मौका था जब ब्लास्ट की जांच से टाइगर मेमन का नाम जुड़ा। इसी तरह लेट मी से इट नाउ में राकेश मारिया लिखते हैं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक किस्सा पानी पी पी कर सुनाया जाता है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई के कुछ मुस्लिम इसका बदला लेना चाहते थे। बदला लेने के लिए मदद मांगी गई दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। दाऊद ने साफ मना कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद कुछ मुस्लिम महिलाओं ने दाऊद को चूड़ियां भेजी लानत के तौर पर। ये बात दाऊद को लग गई। उसने टाइगर मेमन और मोहम्मद दौसा के साथ मिलकर मुंबई हमले की प्लानिंग कर डाली। यहां से जांच में जुड़ा दाऊद का नाम। पुलिस ने पूरी साजिश में शामिल 3 लोगों को पकड़ा, बादशाह खान, हनीफ और समीर। इनसे पूछताछ से ही सबसे चौंकाने वाला एक नाम निकला। इनसे सख्त पूछताछ चल रही थी तभी वो बोले, साहब आप बड़े लोगों को पकड़ते नहीं क्या। मारिया ने कहा, कौन बड़े लोग। हनीफ समीर का जवाब आया, संजू बाबा। मारिया ने बोला, कौन संजू। हनीफ समीर ने दोबारा कहा, संजय दत्त हीरो। मारिया अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जांच की गई तो पता चला कि भरूच से मुंबई तक कुछ हथियार लाए गए थे लेकिन इन्हें कहीं भी रखने की जगह नहीं थी। तभी अनीस इब्राहिम ने सुझाव दिया था कि हीरो के घर रख सकते हैं। हीरो माने संजय दत्त। संजय दत्त के घर पर 3 AK-56 राइफल, 25 हैंड ग्रेनेड और 9 mm पिस्टल रखी गई, जो बाद में खतरनाक काम में इस्तेमाल आई। 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त की फ्लाइट मॉरिशस से मुंबई लैंड हुई। फ्लाइट से उतरते ही उनके सामने राकेश मारिया थे। मारिया ने अपना परिचय दिया, संजय से उनका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगा। संजय दत्त कुछ समझ पाते इससे पहले वे पुलिस की जीप में थे। मारिया लिखते हैं कि संजय दत्त शॉक में थे, पूरे रास्ते किसी ने उनसे एक शब्द नहीं बोला। कोई बात नहीं, यही निर्देश थे, जबकि संजय लगातार बोल रहे थे, आप ये नहीं कर सकते, मेरी फैमिली इंतजार कर रही है, मुझे एक बार मिलने दीजिए, बात करने दीजिए। अगले दिन सुबह जाकर किसी ने दत्त से पहली बार बात की। मारिया ने कहा, तुम अपनी कहानी खुद बताओगे या मैं बताऊं। इसके रिप्लाई में संजय दत्त ने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया। बाद में संजय दत्त ने मारिया को एक एक करके सारी बात बताई। कुछ दिन बाद मारिया ने संजय दत्त का उस समय के सांसद सुनील दत्त से भी सामना कराया। पिता को सामने देखते ही संजय दत्त मारिया के सामने ही फूट फूट कर रो पड़े, ये बोलते हुए कि मेरे से गलती हो गई,
खैर, संजय दत्त पर अवैध हथियार रखने का दोष साबित हुआ था। बाद में उन्होंने इसकी सजा भी काटी। मेमन परिवार के कुल 7 लोगों को ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया गया। सबसे बड़े मुजरिम टाइगर और याकूब मेमन। टाइगर मेमन अभी भी फरार हैं। याकूब को 2015 में फांसी दे दी गई। राकेश मारिया को ये केस सुलझाने के लिए पुलिस मेडल मिला। खास बात यह रही कि उन्हें 13 साल की सर्विस के बाद ही ये मेडल मिल गया, जबकि अमूमन पुलिस मेडल के लिए कम से कम 15 साल की सर्विस होनी चाहिए। राकेश मारिया ने ही भारतीय क्रिकेट में पहली बार फिक्सिंग मामले का भंडाफोड़ किया था। 15 फरवरी 1995 को मारिया ने मुंबई के एक छोटे से गुंडे सुनील सावंत को धरा। उसकी संपत्ति 1.5 साल में कई गुना बढ़ी थी। पुलिस को शक था कि वो सुपारी किलिंग कर रहा है। जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि वो तो मैच फिक्सिंग से पैसा कमाता है। उसने बताया कि किस तरह एक बड़ा गैंग पैसे के दम पर मैच का नतीजा पहले ही तय कर देता है। पुलिस भी ये शब्द पहली बार ही सुन रही थी। किसी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। सावंत ने कहा कि साहब, कल भारत न्यूजीलैंड का मैच है, आप खुद देख लेना। अगले दिन यानी 16 फरवरी 1995 को भारत न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में वनडे मैच हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। पूरी टीम 45.5 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से मैच जीत लिया। मारिया हैरान थे। मैच में ठीक वैसा ही हुआ जैसा सावंत ने बताया था। यहां से मैच फिक्सिंग की जो जांच शुरू हुई तो 2 साल में चंद्रचूड़ कमेटी की जांच भी बैठ गई और फिर मैच फिक्सिंग में वो खुलासे हुए कि पूरी क्रिकेट जगत हिल गई। बाद में 2013 में जब IPL स्पॉट फिक्सिंग सामने आई तो मारिया एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS में ADG थे, लेकिन 1995-96 के उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्पॉट फिक्सिंग की जांच से विशेषज्ञ के तौर पर जोड़ा गया। इसके अलावा राकेश मारिया ने साल 2008 के मुंबई हमले, शीना बोरा मर्डर केस जैसे मामलों की जांच में भी अहम भूमिका निभाई। आपके लिए रिपोर्ट लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही Google Play Store पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।